अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। मज़ेदार से आपके साथ स्पेगेटी बनाने वाली हूँ जो आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना है कैसे लगी। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। स्पेगेटी में जो जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, तो हमने ये एक पैकेट स्पेगेटी का लेके और इसको हाफ पैकेट कर लिया, जो अमूमन आता है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से इसको धो लिया। तो देखिए, ठंडे पानी से धोने के बाद ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और इसमें जो जो चीज़ें डालने वाले हैं, हम केचप डालने वाले हैं। इसमें 2 चम्मच इसमें केचप की डलेंगी, बड़ी चम्मच इसमें डलेंगी, और 2 चम्मच सिरका डलेगा इसमें, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस। ये चारों चीज़ें हमारे पास 2-2 चम्मच होंगी। साथ में हमने थोड़ा सा चिकन ले लिया है। आप चाहें तो ये अगर ना भी डालें इसमें, तो कोई इसमें फ्लेवर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। काली मिर्च हमने 2 चम्मच ले ली है पिसी हुई। आधी चम्मच हमने लिया है कलर पाउडर, ये जो जो आम बिरयानी का कलर पाउडर आता है वही लिया है। 1 चम्मच हम इसमें चीनी इस्तेमाल करने वाले हैं। नमक अपने जायके के मुताबिक, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच हमारे पास सूखा धनिया पिसा हुआ, साथ में आधी चम्मच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच दड़ा मिर्च की, और 1/2 चम्मच जीरा हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सब्जियों में हम इसमें 2 गाजर लेके इनको बारीक, देखें इस तरह हमने बारीक लंबी लंबी काट लेना है, और ये बारीक लंबी लंबी ही काटनी है, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। और शिमला के 2 फूल लेके इनको भी इसी तरह काट लिए हैं। साथ में बंद गोभी को लेके हमने थोड़ी सी बंद गोभी भी क्रश कर ली है, और 1/2 गड्डी पूरे धनिए की, और 4 से 5 लहसुन की फलियाँ हमने लेके बारीक चॉप कर ली हैं इनको, और 4 से 5 अदद हरी मिर्च है, चाहे तो और भी ज़्यादा तीखा इसको कर सकते हैं। अब इसमें जो हम एक चीज़ ऐड करने वाले हैं वो ये, ऐसे आप देख लें, ये हमारे अमूमन नूडल्स के अंदर जो मसाला आता है, आप किसी भी नूडल्स को लो, चाहे कनाल वालों का जो भी हो, तो उसके अंदर जो चटपटा नूडल्स आता है उसके अंदर एक मसाला आता है, तो हम 4 मसाले की जगह पे ये यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो पैन के अंदर हमने तेल डाल दिया है, और 2 चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल की डाली है, ज़्यादा नहीं डाला, और इसके अंदर हम इस चिकन को ऐड करेंगे, साथ साथ हम इस चिकन के ऊपर कलर पाउडर, और 1/2 चम्मच इसमें हम दड़ा मिर्च, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/6 चम्मच है हमारे पास, और 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाले की, ये जो हमने 1 चम्मच लिया था ना इसी में से, 1/2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, और थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के हिस्से का आपने डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना, और ये 1 चुटकी हमें ब्लैक पेपर की इसमें भी ऐड कर लेनी है। हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और अब हम इसमें जब ये दड़ा मिर्च हमारी थोड़ी सी जलने लगी है, हमने इसको थोड़ा सा जलाना है, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। हमने इसके अंदर 2 चम्मच सिरका ऐड कर दिया, ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए। तो हमने इसको इस तरह भूनना है कि चिकन बिल्कुल कुक हो जाए, तो हम चिकन को पीसेस को निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये जब कुक हो जाएगा और चिकन बिल्कुल हमारा पक चुका है, तो हमने इसको निकाल के एक बर्तन में निकाल के रख लेना है। तो ये चिकन की पीसेस हमने निकाल लिए, और बाकी जो हमारा ये कुकिंग ऑयल इसमें बच गया, अब इसी के अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने शिमला मिर्च को डाल देना है, और साथ में गाजर को भी, आपने तीनों सब्जियाँ साथ में डालनी है, और हम साथ साथ उसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारी सब्जियों में चला जाए। और मैंने इस कुकिंग ऑयल को तब चेंज नहीं किया, क्योंकि इसमें दड़ा मिर्च और मसालों का जायका है, जो इन सब्जियों के अंदर भी चला जाएगा। और अब यहाँ पर हम 1 चम्मच भरी हुई चीनी की ऐड करेंगे, मेरे पास छोटी है तो ये देखिए मैंने 2 डाल दी हैं, और इसको अच्छी तरह से, इसको हमने डालने का मकसद ये था कि चीनी जो है, एक तो वो इसके अंदर चाइनीज़ के अंदर बहुत अच्छा टच देती है, दूसरा ये कि ये कलर सब्जियों का आपका चेंज नहीं करती, यानी सब्जियों का कलर जो है वो ख़राब नहीं करेगी। हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है, साथ साथ हमने गरम मसाला जो हमारा बाकी बच गया था 1/2 चम्मच वो भी डाल दिया, नमक हमने इसमें डालना है, स्पेगेटी के जैसा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी। तो अब हम इनको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और साथ ही साथ ये सब्जी हमारी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी हमने इसमें, तो हमने 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच हम इसमें केचप हम इसमें ऐड करने वाले हैं,
मैक्रोनी को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करना है और इन्हीं सॉसेस में इसको हमने पका लेना है। तो ये सॉसेस हमारी इसमें सूख चुकी हैं, तो अब हम इसमें ये ग्रीन हरी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ये धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसमें ये स्पेगेटी ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये हमने इसमें से देखें एक चौथाई हमने इसमें से छोड़ दी है और बाकी हमने इसमें से निकाल ली है। और ये छोड़ने की वजह क्या थी ये आपको आगे पता चल जाएगा। ये अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करते जाना है, साथ साथ भुनाई करते जाना है। तो अब ये लास्ट में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने गैस को बंद कर देना है और अब इसके ऊपर ये जो हमने मसाला आपको कहा था ना जो नूडल्स के अंदर होता है इसको अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देना है। पूरा ही डाल दें, एक पैकेट आप इसमें डाल दें जो एक छोटी सी नूडल्स में आते हैं 25 रुपये का जो पैक होता है उसके अंदर आ जाता है आराम से। तो ये आपने ले लेना है और अब इसके अंदर हमने आप इसे आप देखें लास्ट टच इसको हमने ले के आपने अपनी सर्विंग प्लेट में इसको निकालना है। तो अब लास्ट पे हमने ये जो अपनी वाइट वाली ली हुई थी ना इसमें से कुछ ही लेके यहाँ ऊपर इस तरह हल्की सी डाल देनी है ऐसे करके, क्योंकि नीचे वाली में मसाला ऑलरेडी इतना ज़्यादा है तो वो उसको कवर कर लेगा। और साथ में ये जो हमने बोटियाँ बनाई थी ना ये हमने यहाँ पर इसको डाल देनी है इस तरह करके। आपने इसके ऊपर से इस तरह डाल के और काली मिर्च को लास्ट में हमने अपने टेस्ट के मुताबिक छिड़क देना है। तो आपने इस लास्ट लुक को मिस नहीं करना और इसी तरह सर्व करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल पर ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह नेगेबान।